आपने जब ये बात बताई तो ये भी बताया कि नित्यानंद राय ने उसके बाद एक सफाई भी दी जी कि ये मैंने एक मुहावरे के रूप में कहा था। कई इस तरह के मुहावरे अपने हिंदी साहित्य में उपलब्ध भी हैं, हिंदी बोली में आते हैं। कौन सा मुहावरा है सर ये? कहा जाता है कि भाई देखिए, हमेशा कहा जाता है कि उंगली आप अपनी हमको मत दिखाइए, नहीं उंगली तोड़ देंगे। हाँ। तो उंगली तोड़ देने का मतलब ये नहीं होता कि उंगली हम आपकी तोड़ ही देंगे। हाँ। माने उंगली नीचे कर लो, कई बातें कही जाती हैं जी। और नित्यानंद जी ने सफाई दे दी। इसी तरह जो अभी हरियाणा वाला आपने दिखाया जी, पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया, उनको नोटिस जारी कर दी और उनसे सर कारण बताओ नोटिस जारी किया, कोई और नोटिस नहीं दिया गया अभी? अरे भाई तो कारण बताओ जारी, जब उत्तर वो देंगे तब उसी के बाद तो कोई कार्रवाई होगी। पहले तो जो बेसिक है वो यही है कि पार्टी ने संज्ञान में लिया जी, और अपने आप को उनके बयान से संबद्ध नहीं किया जी। और ये भी उन्होंने कहा सर, सूरजपाल सूरजपाल हमू भी अगर अपने बयान के लिए सफाई दे देते हैं तो उनकी भी माफी हो जाएगी क्या पार्टी की तरफ से? अगर अगर पार्टी अगर वो माफी मांग लेते हैं, लोकतंत्र में माफी मांग लेना ही सबसे बड़ी क्षमा याचना हो तो फिर बाकी पार्टी की तरफ से जब ऐसे ही बयान दिए जाते हैं तो उसको लेकर फिर बीजेपी इतना हल्ला क्यों करती है सर? सफाई तो वहां से भी आती तो है, तो कहा जाता है क्यों गिनवाए जाते हैं कि फलाना व्यक्ति ने ये कहा था, किसी और पार्टी के व्यक्ति ने ये कहा था? आप देखिए, आपको याद होगा आपने सब दिखाया, लेकिन संदीप दीक्षित ने सेना के सेनापति को सड़क छाप गुंडा कह दिया, लेकिन आप और उसके बाद आज तक शायद माफी नहीं मांगी उन्होंने जी। राहुल गांधी जी ने कह दिया सेना के जवानों की दलाली, लेकिन बाद में उन्होंने भी माफी आज तक शायद नहीं मांगी। इस तरह के अभी एक कांग्रेस के विधायक या लोकसभा के चुनाव ये विधायक के चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने कहा था मोदी का सर काट के लाने वाले को इतने रुपया इनाम देंगे, जो आप दिखा भी रहे थे आप जी। ये आजम खान साहब कह रहे हैं कि मैं, आजम खान साहब ने कहा था कि मैं दाऊद के पैसे से मुलायम सिंह यादव की वो मनाता हूँ जी। क्या नाम सर? क्या सर बयान देना और माफी मांगना एक ट्रेंड है क्या, कि आप बयान देंगे बाद में सफाई दे देंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे? जो संदेश देना चाहते थे अपने समर्थकों को या समुदाय विशेष को वो तो दे चुके हैं आप, डैमेज कंट्रोल कैसे हो जाएगा? ऐसा है अनंत जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीति में बयान बहादुरों की आप भी उनको दिखाते हैं और उनको तवज्जो भी मिलने लगती है। इसलिए जब हम बोलने लगते हैं तो हमारे भाषा का नियंत्रण खत्म हो जाता है। ये वास्तव में राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो है। पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? सभी राजनीतिक दलों को शुक्ला जी, पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? शुरुआत आप बीजेपी से कीजिए, नजीर पेश कीजिए, अगर कार्रवाई कीजिए नित्यानंद राय के खिलाफ। देखिए आपने अभी बताया, आप ही खुद बता रहे हैं कि क्षमा मांगी थी गिरिराज जी ने लोकसभा के अंदर, क्षमा मांगी थी जो साध्वी जी हैं जिन्होंने रामजादे वाली बात कही थी उसकी, उन्होंने भी कई नेताओं ने अगर इस तरह की बात किया है तो उन्हें प्रताड़ित किया गया है। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने भी इसको अच्छा कभी नहीं माना।